मित्र जय सियाराम, बहुत स्वागत है आपका हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। मित्रों, आपने सुना होगा कि सूर्य ग्रहण में हम लोगों को गंगा स्नान या किसी तीर्थ में स्नान करना चाहिए, स्नान का फल मिलता है। तो आइए आज बात करते हैं अमावस्या पे। मित्रों, अमावस्या हर महीने के कृष्ण पक्ष के 15वें तिथि को, पंचांग में देखेंगे तो 30 लिखा रहेगा, मतलब प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी और लास्ट में 30 लिखा रहेगा। तो कृष्ण पक्ष का 30 होगा तो अमावस्या होगा, शुक्ल पक्ष का 30 होगा तो पूर्णिमा होगी। और हर महीने ये सिचुएशन आनी है, मतलब आपको 12 अमावस्या तो मिलने हैं। मित्रों, यदि अमावस्या को मंगलवार पड़े, मतलब मंगलवार ही अमावस्या हो, तो आप गंगा स्नान अवश्य करें, किसी तीर्थ में स्नान अवश्य करें। यदि आप कहीं ऐसे सुदूर क्षेत्र में रहते हैं जहां गंगा जी नहीं है, कोई नदी नहीं है, तो बाल्टी के पानी में गंगा जल डाल के स्नान करें। आपको पता है मंगलवार को यदि अमावस्या पड़े और गंगा स्नान यदि हम करते हैं तो हमें 1 करोड़ सूर्य ग्रहण के गंगा स्नान का फल मिलता है। इतना आसान विकल्प आपको दे रहा हूं। ये भी नहीं करेंगे तो मैं कैसे मान लूं कि आपको सनातन धर्म से प्रेम है या स्वयं से प्रेम है। ये जो शरीर हमें मिला है मित्रों, ये अपने पूर्व जन्म के कर्म के प्रारब्धों को मिटाते हुए ईश्वर के समीप जाने का मार्ग है यह मानव शरीर। यह मानव शरीर किसी ऐसो आराम वैभव विलास के लिए नहीं मिला है, यह मिला है कि हमारे कई जन्मों के प्रारब्ध और कुछ अच्छे कर्म जिससे हम मनुष्य योनि में आए, यहां से अपने पापों से निवृत्त होकर हमें कुछ ऐसा करना है कि हम ईश्वर की तरफ जाएं, हमें गति मिले, हमें मुक्ति मिले। तो मंगलवारी अमावस्या को आप गंगा स्नान अवश्य करें, 1 करोड़ सूर्य ग्रहण का फल मिलेगा। आशा करता हूं आप हमारी बातों को गंभीरता से लेंगे। जय सियाराम।